दोस्तों आज मैं ये वीडियो आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना अक्सर कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जहाँ से मेरे को लगता है कि यार आपको ना फॉरएवर बिजनेस के बारे में अभी क्लैरिटी है ही नहीं है, या आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली है। क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी और उसी हिसाब से आप डिसीजन लोगे तो आप बाद में फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, आपको लगेगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ कुछ स्कैम हो गया है। ये वीडियो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे कि फॉरएवर में पैसा आता कैसे है, जेन्युइन वे क्या है इसमें पैसा आने का। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं मेरे को जहां से ना मुझे खुद लगता है यार ये क्वेश्चन इस टाइप के माइंड में कैसे आ रहे हैं आपके। या तो आपको अच्छे से अभी फॉरएवर के बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, आपने मार्केटिंग प्लान के बारे में समझा नहीं है, तभी आपके माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। मैं बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिली है, हो सकता है आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिली हो। किस टाइप के क्वेश्चंस? सर 2CC करने के बाद क्या सैलरी आना शुरू हो जाती है? अभी रिसेंटली मैं ये मैसेज पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, एक मैसेज था कि सर किस लेवल पे जाके इनकम जो है वो फिक्स्ड हो जाती है, क्या 2CC करने के बाद मेरे को हमेशा के लिए पैसा आता रहेगा? इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि आपको शायद ये अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एक बार आपने 2CC कर लिया और उसके बाद आपको हमेशा के लिए पैसा आता रहेगा, हमेशा के लिए। बड़ी मजे वाली बात है ना, कि ये तो बड़ी जबरदस्त बात हुई कि एक बार 2CC करो और उसके बाद हमेशा के लिए पैसा आता रहे। अगर इस टाइप का कोई बिजनेस मिल जाए तो फिर कहने क्या। तो कुछ इस टाइप के मैसेजेस कमेंट बॉक्स में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आज इसी क्लैरिटी को करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी और आपके जो इस टाइप के मैसेजेस हैं मेरे को ना वो आने बंद हो जाएंगे। कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी कई बार मैसेजेस आ जाते हैं कि सर ये जो है ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए तो सर इसके बारे में बताएं। तो ये वीडियो आपको हमेशा के लिए ये क्लियर कर देगा और आपकी टीम में भी अगर कोई है जिसको ये डाउट है तो उसको भी आप जो है फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि उसको भी क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए पहले तो ये समझें कि जैसे ये कमेंट था कि 2CC के बाद क्या सैलरी शुरू हो जाती है, आप पहले एक चीज़ को समझो कि सैलरी जो है वो कहाँ पे मिलती है। सैलरी हमेशा आपको जॉब में मिलती है, किसी भी बिजनेस में कभी भी कोई सैलरी नहीं होती है। तो फॉरएवर क्या है? फॉरएवर में जब आप यहाँ पे ऑफिस में कभी अगर आप विजिट करो ना तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि हम लोग किसी भी टाइप की कोई जॉब ऑफर नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे जॉब तो है ही नहीं है, ये एक बिजनेस है और बिजनेस जो है उसमें कभी भी सैलरी नहीं होती है। तो यहाँ पे कैसे पैसा आता है इसका मतलब सैलरी तो नहीं आती है। तो अगर सैलरी नहीं आती है तो क्या पैसा भी नहीं आता है? नहीं, पैसा आता है। कैसे आता है वो आगे चल के बात करते हैं। तो अगर आपको कोई भी पर्सन ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पे आपको सैलरी आती रहेगी, आपकी सैलरी लग जाएगी, तो वो आपको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जहाँ पे सब कुछ जेन्युइन भी हो रहा होता है ना तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो बिजनेस को एथिकली नहीं करते हैं। बहुत रेयरली ऐसे बंदे आपको मिल सकते हैं, बहुत रेयरली, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि फॉरएवर में जो लोग आते हैं वो सिंसियरली अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं और जो सिंसियरली अपना बिजनेस डेवलप करना चाहता है वो हमेशा आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा। तो क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपको अगर बिजनेस आपसे ले भी लिया तो आज नहीं तो कल वो इन्फॉर्मेशन और बहुत जल्दी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। और जैसे ही पता चलेगा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी तो फर्दर वो बिजनेस तो कर ही नहीं सकता। तो टेम्परेरी बिजनेस तो किया जा सकता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के, लेकिन परमानेंट बिजनेस नहीं किया जाता, हमेशा के लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता। तो जेन्युइन बंदा कोई भी जेन्युइनली अगर बिजनेस फॉरएवर का डेवलप करना चाहता है तो वो आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो फिर भी ऐसे बंदों से आप अलर्ट जरूर रहें। अगर आपको कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये करने के बाद आपको सैलरी आ जाएगी तो वो वहां पर अलर्ट हो जाओ, आप समझ लो आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। सैलरी आती ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो सैलरी नहीं आती, ये चीज़ क्लियर कर लो। तो ये चीज़ भी खत्म हो गई फिर कि 2CC के बाद क्या सैलरी शुरू हो जाती है। और एक चीज़ और क्लियर कर लो, ऐसा भी नहीं होता है कि एक बार आपने 2CC किया और हमेशा के लिए आपको पैसा आता रहेगा, ऐसा भी नहीं होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक बार बस 2CC कर लिया उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना और हमेशा के लिए आपको पैसा आता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी भी इंफॉर्मेशन आपको कोई दे रहा है ना तो अलर्ट हो जाओ, वो समझ लो आपको गोली दे रहा है। रेयरली बंदे आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उससे अलर्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, जो तो जेन्युइनली काम कर रहा है, जो जेन्युइनली इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो इस वीडियो को अप्रिशिएट करेगा। वो कहेगा यार क्या बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे दी है ना, सब कुछ क्लियर कर दिया, किसी को कुछ डाउट ना रहे। वो अपनी टीम को भी शेयर करेगा और वो अप्रिशिएट भी करेगा इस वीडियो को। लेकिन जो एथिकली नहीं करना चाहता ना बिजनेस, जो अनएथिकली बिजनेस करना चाहता है, उसको हो सकता है इस वीडियो से प्रॉब्लम हो जाए,
वो कहे यार ये क्या वीडियो बना दिया है ना। हमेशा के लिए ये अपने आप को क्लियर कर लो कि अगर फॉरएवर में आपने सिर्फ एक बार 2cc कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए आपको पैसा आता रहेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आप सोचो यार कितनी बढ़िया बात है, फिर तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, हर कोई बस अपना 2cc, फिर कौन मना करेगा। एक बार 2cc स्टार्टर किट बाय कर ली, 28-29 हज़ार रुपये लगाया और उसके लिए उसके बाद हमेशा के लिए पैसा आता रहे, हमेशा के लिए लाइफ टाइम पैसा आता रहे, कौन मना करेगा भाई, कोई भी मना नहीं करेगा। इसका मतलब हर कोई बंदा आपको ज्वाइन कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रीज़न यही है कि एक बार 2cc करने से हमेशा के लिए पैसा नहीं आता है, सिर्फ 2cc करने से कि 2cc कर लिया और उसके बाद कुछ ना करो तो हमेशा के लिए पैसा आता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पैसा आता कैसे है। देखिए पैसा कैसे आता है, पैसा हमेशा के लिए आ सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आपको कोई ये कहता ना कि आपको हमेशा के लिए पैसा आ सकता है, आएगा, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। अगर आप जो कहती है कंपनी कि करना पड़ेगा आपको, अगर आप वो कर रहे हो तो आपको हमेशा के लिए पैसा आता रहेगा, लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा, ये श्योर है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए काम करना पड़ेगा भाई। कोई बिजनेस ऐसा है जहां पे काम नहीं करते हो आप पैसा आता रहे? ऐसा तो कोई भी बिजनेस नहीं है। फॉरएवर में ये है कि आपको आपके किए हुए काम के ऊपर पैसा मिलता है, ऑब्वियसली वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने जो टीम रिक्रूट की है, जो आपकी टीम काम करती है, उसके ऊपर भी आपको पैसा आता है, ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। आपने जो काम किया उसके ऊपर तो पैसा मिलेगा, अब आपने कुछ टीम रिक्रूट की थी, उस टीम को आपने डेवलप किया, ट्रेंड किया, वो काम कर रही है, उसके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको आपके काम के ऊपर पैसा तो मिलेगा, उसके काम के ऊपर भी पैसा मिलेगा। आपकी टीम में कितने लोग हैं, अब ऑब्वियसली उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बिजनेस कितना हुआ है, और जितना ज़्यादा बिजनेस होएगा उसके अकॉर्डिंग भी आपको पैसा आएगा। तो फॉरएवर में जब भी आपको पैसा आएगा वो आएगा प्रोडक्ट की मूवमेंट के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट जब जब भी निकलेगा, जितना भी टोटल वॉल्यूम आपके अंदर होएगा प्रोडक्ट का, उतने ही आपको इनकम आएगी एज पर मार्केटिंग प्लान। इस वर्ड के ऊपर भी अच्छे से फोकस कर लेना, इस लाइन के ऊपर, एज पर मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली जितना आपका पैसा बनता होएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। अब मार्केटिंग प्लान क्या है उसको अच्छे से समझो, उसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको जाओ देखो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि किस लेवल पे कितना पैसा आता है, कितने सीसी होने पे आपको कितना पैसा आता है। तो फॉरएवर में जो पैसा आता है, इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, वो हमेशा प्रोडक्ट कितना निकला आपकी टीम के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपने कितने का प्रोडक्ट मूव किया, ऑब्वियसली बड़ा थोड़ा सा मूव करोगे आप डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेल्समैन बनने के लिए नहीं आया। आपकी टोटल टीम जितनी भी है वो भी थोड़ा थोड़ा करेगी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत बड़ी जो है वो वॉल्यूम बन जाती है। तो प्रोडक्ट चाहे आपके थ्रू निकल रहा है, चाहे आपकी टीम के थ्रू निकल रहा है, एज पर मार्केटिंग प्लान आपको उसके ऊपर पैसा आ जाएगा। आप जिस भी लेवल पे हो, आपके नीचे टीम में किस लेवल पे कितना बिजनेस हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको बोनसेस कहा जाता है, मंथली बोनस। और इसके अलावा अलग अलग वेज हैं फॉरएवर में पैसा कमाने के, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज से पैसा आता है, तो वो सारे का सारा मार्केटिंग प्लान को समझो, आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी आपको ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे 2cc करने के बाद सैलरी शुरू हो जाएगी, या आप सिर्फ शुरू कर लो और आपको सैलरी शुरू हो जाएगी, या आपको हमेशा के लिए पैसा आता रहेगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2cc कर लो, हमेशा के लिए पैसा आता रहेगा, इस टाइप के अगर आपको कुछ कोई गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल आप अलर्ट हो जाओ। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अपनी सारी टीम को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बंदे को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।